हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस संकुल लैंड का। सो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे गए थे गाइस रेड मारने के लिए। हमारी रेड जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने पूरे आइलैंड को लूट के जितना भी लूट का सामान था वो हम हमारे घर पे लेके आ गए थे। और हम लोग ने जो है ना गाइस यहाँ पे अपने बेस को एक्सपैंड करने का काम जो है ना गाइस वो भी पिछले एपिसोड में करा था। मैं यहाँ पे ऊपर साइड में जो है ना गाइस अभी हमारा फार्म जो है ना गाइस वो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कॉटन, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटैटोज उगाने का काम करूंगा। बाकी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना गाइस वो जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आप लोग को गेमिंग विद एंडी के चैनल की। अगर आप लोग को यहाँ पे अलग अलग सर्वाइवल गेम्स की वीडियो देखनी है सो आप लोग गेमिंग विद एंडी के चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो गाइस आज का ये वाला एपिसोड शुरू करता हूँ। और यहाँ पे वुड की कमी पड़ रही है यार। ठीक है भाई, वुड खत्म हो गया था। रुको यहाँ पे ना इसको डाल देता हूँ वुड। ओके, थोड़ा वुड चाहिए होगा मुझे भाई। कुक्ड मछली में खा गया क्या लग तो रहा है गाइस, डायरेक्टली मैंने उसको खा ही लिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे पानी भी भरना है गाइस। रुकना, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा वुड जो है ना वो पहले इकट्ठा कर लेता। ओ, स्ट्रॉबेरीज मिल गए मुझे। ओ गाइस, हमारे आइलैंड पे एक पेड़ भी उग चुका है। इसको मैं तोड़ता नहीं हूँ गाइस, ठीक है, उसको मैं वैसे ही रखूंगा। ये क्या चीज़ है, ये पेड़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये जो पेड़ था ना, ये पेड़ है ना गाइस जिसको मैं तोड़ूंगा नहीं। हमको कभी कभी बैकअप के लिए इमरजेंसी में ना वुड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो उस टाइम के लिए मैं इस पेड़ को बचा के रखूंगा। उस टाइम पे जो है ना कि हम लोग इस पेड़ से जितना वुड चाहिए उतना वुड निकाल सकते हैं। ज़्यादा तो वुड नहीं निकलेगा वैसे। ठीक है, रुको मैं देखता हूँ आजू बाजू और कुछ पड़ा है क्या। नहीं पड़ा है। वैसे आज हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहला गाइस हमारा काम है यहाँ पे फार्म बनाना। बट फार्म बनाने के लिए ना शायद से मुझे काफ़ी सारा वुड चाहिए होगा अगर मैं गलत। हाँ यस गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही वुड चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वुड चाहिए यार। ठीक है, मैं वुड जो है ना गाइस थोड़ा सा लेके आ जाता हूँ और चाकू यहाँ पे डाल देता हूँ। रुको, जो भी सारा सामान मेरे पास और मेरे राफ्ट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा सामान जो है ना गाइस मैं पहले ट्रांसफर कर देता हूँ अपने घर पे। एप टू यूनिट। अच्छा, ये फिल तो है भाई, फुल है भाई, ये फुल नहीं है क्या। पानी पी लूँ थोड़ा सा। रुको, पानी की बकेट जो है गाइस वो पहले फुल करनी पड़ेगी, बट मुझे तो ये फुल ही दिखाई दे रही है अभी। अभी फुल हो गई। ठीक है, चलो मैं इसको लेके चलता हूँ फटाफट से एंड हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं गाइस। ठीक है, और मैं जो है ना गाइस एक काम करता हूँ, जो हम लोग कल आइलैंड लूट के आए थे ना उस आइलैंड पे, नहीं यार उस आइलैंड पे जितना भी वुड था वो सारा वुड तो मैं लेके आ चुका हूँ मेरे पास। मतलब उस आइलैंड पे जो ना शायद से अभी कुछ भी वुड बचा नहीं होगा। मैं गाइस म्यूटेंट आइलैंड पे चलूँ क्या आज? गाइस हम लोग म्यूटेंट आइलैंड पे चलते हैं, वहाँ पे रेड मार के आएंगे, क्या बोलते हो? चलो गाइस, पूरी इन्वेंट्री खाली करके मैं म्यूटेंट आइलैंड पे चलता हूँ। हम लोग म्यूटेंट आइलैंड पे भाई रेड मार के आएंगे, क्योंकि उस आइलैंड पे ना वुड काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा ही था भाई, भर भर के वुड मिल जाएगा और हम लोग हमारा फार्म जो है गाइस वो भी कंप्लीट कर पाएंगे। रुको, पहले मैं वहाँ पे पानी भर देता हूँ। क्रॉसबो में कितने आ रहे हैं? 28। ज़्यादा म्यूटेंट तो नहीं हो गए ना वहाँ पे? ज़्यादा म्यूटेंट हो गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चाकू है बैकअप के लिए अपने पास वैसे। ऑलराइट, चाकू बैकअप के लिए तो है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल 30 एरो कर देता हूँ। ठीक है, 30 एरो में लेके जा रहा हूँ। बाकी जो गाइस हमारे पास यहाँ पे वेपन्स है ना वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन वेपन्स की बुलेट्स अभी तक हम लोग को नहीं मिली है। हमारे पास खाली वेपन्स है, उनकी जो बुलेट्स होती है वो नहीं है। और मैं इस वाली राफ्ट को ना लेके नहीं जाऊँगा गाइस, क्योंकि हवा के भरोसे पे वो नई वाली मेरी राफ्ट, अगर हवा नहीं आती है ना तो राफ्ट जो है ना वो चल भी नहीं पाती है। क्लोथ डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। रुको, यहाँ पे कुछ ऐसा डाल सकता हूँ चीज़? नहीं। अरे उठा लेता हूँ, और कुछ चीज़ें, मेरे सारे स्टोरेज बॉक्सेज जो है ना वो फुल हो चुके हैं यार। अभी भी नहीं डाल सकता हूँ, लास्ट बॉक्स में डालना पड़ेगा। चलो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस और काफ़ी सारा वुड लेके आ रहा हूँ मैं अपने इस वाले राफ्ट को लेके जा रहा हूँ। ओ यहाँ पे एक वुड पड़ा हुआ है, ठीक है, खा लिए ना पूरा। इसके अंदर एरोस, 3 एरोस, ठीक है चलो कोई ना, लेके चलते हैं। इसको पुश कर लो। यहाँ पे क्या है? कॉपर और पड़ा हुआ था। ए गाइस, यहाँ पे सामान कैसे पड़ा हुआ है? रुको, ये मुझे अंदर डालने दो भाई। मैंने कॉपर और वगैरह ना ऐसे जमीन पे डाल के रखे थे। ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी एरो साथ में ले लेते हैं एंड चलते गए अभी सीधा
म्यूटेंट आइलैंड पे, ठीक है। पुश 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 पुश, इसको एकदम पानी में पुश करके लेके जाएंगे बस। ओके नहीं यार, और थोड़ा सा पीछे पुश कर लेता हूँ। ओके बस इतना इनफ रहेगा, ड्राइव करते हैं। एंड म्यूटेंट आइलैंड, वो रहा म्यूटेंट आइलैंड गाइस, ठीक है, वो रहा म्यूटेंट आइलैंड। वहाँ पे काफी सारे म्यूटेंट से सामना हो सकता है गाइस। एक काम करता हूँ, पहले जो हमारा मोटेल है ना, वहाँ पे विजिट करके आता हूँ और देखता हूँ ट्रेडर के पास क्या चीज आई है। ओके और ये बोट भी काफी ज्यादा फास्ट है, देखो शिफ्ट दबाने से और भी ज्यादा तेज जाती है कहीं। हाँ बस 10 किलोमीटर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओ 70 किलोमीटर, देख रहे हो, ये भी काफी ज्यादा तेज है। बस इसमें बस हमारा स्टैमिना खत्म हो जाता है। बट वो वाली राफ्ट जो है ना, उसके ऊपर उसमें जो है ना कैसे हवा के ऊपर सब गेम है। हवा अगर चल रही है तो तेज जाएगी, वरना नहीं जाएगी तेज। ठीक है मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ अभी। मैं देखता हूँ गाइस कि कुछ नई चीजें हमारे ट्रेडर के पास आई है क्या। ट्रेडर जी, ओ वापस से सेम चीजें दे रही है यार ये, मुझे सेम चीजें दे रही है। ये बेच तो रही है अंडर वाटर स्कूटर, बट इसके लिए ना मैं तेरे को एरो ऑफर करेगा। गेट लॉस्ट बोल रहे गाइस, बोल रहे निकल पहली फुर्सत में, जा रहा हूँ गाइस मैं यहाँ से। वही सेम टू सेम चीजें गाइस, कुछ नई चीजें जो है ना वो यहाँ पे आई नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं म्यूटेंट आइलैंड पे। पेड़ देख रहे हो गाइस, म्यूटेंट आइलैंड पे पेड़ की कमी नहीं है। मुझे पेड़ तो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट वहाँ पे म्यूटेंट से सामना होगा हमारा। वैसे यहाँ पे कुछ बिल्ड करा नहीं है किसी ने, देख रहे हो गाइस। ओ नहीं, वहाँ पे एक मुझे छोटू सा किसी का तो घर दिख रहा है। ये रहा एक म्यूटेंट। ओ वो वो वो, एक एक को लेना पड़ेगा, एक एक को लेना पड़ेगा, संभल गया। ये रहे म्यूटेंट्स, म्यूटेंट्स ठीक है। स्मॉल रॉक आइलैंड विथ लॉट्स ऑफ म्यूटेंट्स। वेट अ मिनट, क्रॉसबो निकाल, क्या मैं पट्टे से हेडशॉट मार सकता हूँ? वो नाइस हेड था, लगा मर गया क्या वो? संभल के चलना, वो नहीं मरा। ऑल राइट लेट्स गो, म्यूटेंट मर गए, म्यूटेंट अंकल मर गए, टेक ऑल, नाइस। संभल गया, संभल गया, आराम से चलना है गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे मैं कल आया था तो किसी के पास एक गन थी। हो रहा, ओ शिट, ओ नहीं 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 नहीं, नहीं मार रहा। ओ वो वो क्रॉसबो, संभल के, कोई तो गोली मार रहा है कहाँ से। ये रहा, ओ शिट, इसके पास क्रॉसबो है गाइस। आ मिस, ठीक है संभल के। आउच, नाइस, संभल के। ओ इज डेड, इज डेड, इज डेड। ओ हो गया क्लियर, बाबा रे बाबा, इनके पास क्रॉसबो थी यार, ठीक है, लेकिन मैंने सबको मार दिया है। एंड यहाँ पे भी जितना भी मुझे वुड चाहिए ना, जितना मैं वुड उठा सकता हूँ उतना वुड यहाँ से। म्यूजिक बज रहे, वेट 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 वेट, कोई तो आ रहा है, कोई तो है, म्यूजिक तो बज रही है, बट क्यों? ओ उस आइलैंड पे क्रॉसबो लेके, उसको हेडशॉट तो मार दिया मैंने, उसका हेम मेरे जितना अच्छा नहीं। ओए जिगल दे रहा है गाइस, जिगल, आउच, आर्मर टूट रहा है मेरा। ओह नाइस, पट्टे से हेडशॉट, ओल मरा नहीं, लेकिन ये मरा नहीं, नाइस वन, जी जी, लेट्स गो बॉयज। म्यूटेड आइलैंड गाइस, म्यूटेड आइलैंड पे अभी हमारा ही कब्जा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पेड़ तोड़ के भी जाऊँगा ना, तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पेड़ जो है वापस से उग जाएंगे। सो उतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हमारे पास अनलिमिटेड जो है ना गाइज वुड का सप्लाई है। मैं यहाँ से अपनी राफ्ट भर के और पूरी इन्वेंट्री भर के जो है ना गाइज वुड लेके जाता हूँ उनको। ठीक है, कितना वुड है भाई? भर भर के वुड मिलेगा, पूरी राफ्ट भर जाएगी गाइज, इतना वुड मिल जाएगा यहाँ से मुझे। चलो मुझे यहाँ पे थोड़े से कोर्स भी दिखाई दे रहे थे आयरन वगैरह के, वो भी ले लूंगा। पहले तो मुझे पूरा का पूरा आइलैंड है ना इस तरफ का, वो खाली करने दो। स्टैमिना की प्रॉब्लम है यार, इस स्टैमिना वाला एक ब्रू बनता था, वो मैं बना सकता हूँ क्या इस आइलैंड पे? अगर बना पाया तो अच्छा रहेगा, एक इन्वेंट्री में। हाँ बना सकता हूँ स्टैमिना वाला, इसको कंज्यूम कर लेता हूँ इससे स्टैमिना। वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी गई, यहाँ पे फूल हो रहा है, देख रहे हो, ऐसे ब्रूज बना लेने हम लोग। देखो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में स्टैमिना का फूल हो रहा है अभी हमारा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। मेरे वैसे इन्वेंट्री जो है वो अभी फुल होने वाली है, नहीं होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री में जगह बची है। और स्टैमिना का जो है ना गाइस कुछ अभी सीन नहीं होगा कुछ टाइम तक, तो पता नहीं गाइस ये कितने टाइम तक हमारा स्टैमिना जो है वो फुल रखेगा। बट अभी मैं लगातार यहाँ पे पेड़ काट सकता हूँ। चलो गाइस मैं यहाँ से जितना हो सके उतना वुड फटाफट से उठा लेता हूँ,
और अपने राफ्ट में भर देता हूँ। अगर कुछ नई चीज मिली ना तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, वरना हम लोग यहाँ पे बस बूढ़ी तोड़ते रहेंगे और कुछ नहीं। राफ्ट भर के उड़ लेके जाएंगे आज तो। मुझे लगा था गाइस कि हम लोग राफ्ट भर के जो है ना गाइस यहाँ पे वुड लेके जा पाएंगे, बट मैं गलत था यार यहाँ पे। ठीक है, इस आइलैंड पे जितने भी पेड़ थे वो सारे मैंने तोड़ दिया। हाँ, स्टैमिना का भी सीन वापस से होना चालू हो चुका है, क्योंकि मैंने जो पोशन पिया था, जो भी चीज पी थी, वो अभी खत्म हो चुकी है, उसका असर खत्म हो चुका है। और एक और जो है ना गाइस मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल के लिए मशरूम अवेलेबल नहीं है। बट इस आइलैंड पे जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे ए टू जेड पेड़ गाइस मैं यहाँ पे तोड़ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हो कि पूरा आइलैंड खाली हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा आइलैंड। ओ, यहाँ पे कुछ दो तीन पेड़ बचे हुए हैं, तो इनको भी तोड़ देता हूँ। और मेरी राफ्ट जो है ना गाइस वो अभी तक वुड से भरी नहीं है, बस थोड़ा सा ही जो है ना गाइस वुड हमने राफ्ट में डाला है। वैसे इतने से हमारा काम तो बन जाएगा, हम लोग जो यहाँ पे बनाना चाहते थे हमारा फार्म वो बना पाएंगे इजीली। इतना तो वुड मिल चुका है, देखो पूरा का पूरा आइलैंड खाली कर दिया मैंने, पूरा का पूरा आइलैंड, कुछ भी नहीं बचा है। बस यहाँ पे अभी कोर्स बचे हुए हैं, ये देखो ये जो कोर है कॉपर वगैरह के, आयरन के कोर्स, यही बचे हुए हैं और कुछ भी नहीं बचा है। चलो अभी ये कोर्स बचे इनको भाई यहाँ पे तोड़ के लेके चलते। वुड वैसे काफी मिल चुका है, लगभग 120 या उससे भी ज्यादा वुड मुझे मिल चुका होगा। ठीक है, मैं इस आयरन कोर को यहाँ पे तोड़ देता हूँ। एंड मैंने कुछ और कोर्स देखे थे, ओ यहाँ पे यहाँ पे ओनली आयरन कोर्स ही है, मतलब इस वाले आइलैंड पे आयरन जो है ना जो काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ से ओ इन्वेंट्री फुल, वाई ओ मैं 5 ही कोर उठा सकता हूँ क्या एक बारी में? ठीक है रुको, एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल हम लोग को यहाँ पे वुड जो है वो कितना मिला है। और वो जो गाइस सामने वाला सैंड वाला आइलैंड है ना, उसको एक दिन जरूर लूटेंगे। वहाँ पे शॉटगन लेके गाइस लोग बैठे हुए हैं, सो वहाँ पे जाना ना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। आप जैसे कि देख सकते हो कि यस इतना वुड हम लोग को मिला हुआ है, और अभी और चीजें जो है ना गाइस मैं डाल नहीं सकता हूँ अपने उस बोर्ड के अंदर। बोर्ड का जो स्टोरेज बॉक्स था वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, और रात भी होने वाली है। बट रात होने से पहले ना मैं यहाँ पे जितना भी आयरन है वो सारा का सारा तोड़ के अपने साथ लेके जाऊंगा। यहाँ से मैं अभी अगर सारा आयरन लेके जाता हूँ ना गाइज, तो समझ लो मैं 3-4 दिन में वापस से यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे आयरन रिस्पॉन हो चुका होगा शायद से। जैसे कि पेड़ वगैरह उग जाते हैं ना वापस से, वैसे शायद ये आयरन जो है गाइज वो भी वापस से यहाँ पे उग जाए। ठीक है, आयरन तो मैंने निकाल लिया है, वहाँ पे तो कुछ था नहीं, इधर कुछ है क्या यार? मुझे एक टॉर्च वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा गाइज। आयरन है यस शायद से। ठीक है, इसको भी तोड़ देता हूँ मैं, इसको भी तोड़ देते फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट गया। और कुछ ये आयरन है नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे स्टोन से है खाली, बस इतना ही आयरन था। चलो इस आइलैंड को कितना लूट लिया वैसे हम लोग ने? स्मॉल रॉक आइलैंड 0%, व्हाट? हेलो, क्या, हाउ? ये आइलैंड पे कोई हिडन गुफा वगैरह है क्या? ये बोल रहे मैंने इसको स्मॉल रॉक आइलैंड, इसको मैंने 0% लूटा है, पता नहीं क्या सीन है। चलो अभी वैसे रात हो चुकी है, मैं फटाफट से घर पे जाना चाहूंगा, वरना रात में जो ना कि जहाँ पे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, घर पे चलते सो जाते हैं, एंड फिर अगले दिन जो ना कि हमारा आगे का काम हम लोग चालू कर देंगे। ए, मेरा आइलैंड कौन सा है? ए, रुको गाइस, घूम गया, वो है वो, अच्छा वो वाला वो ग्रीन ग्रीन बोट हम लोग ने अपने आइलैंड पे रखी है ना, वो यहाँ से दूर से ही दिखाई दे रही है। चलो फटाफट से गाइस हमारे घर पे पहुंच जाते हैं। डिस्कवर डिस्ट्रिक्ट 43। ओ गाइस, कोई नई लोकेशन डिस्कवर कर ली मैंने, कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे डिस्ट्रिक्ट 43 गाइस। पता नहीं डिस्ट्रिक्ट 43 पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट 43 ऐसे नाम जो होते हैं ना वो आर्मी कैंप वगैरह के होते हैं या आर्मी बेस के होते हैं। सो मे बी नीचे मुझे आर्मी बेस देखने को मिल सकता है, बट कंफर्म बोल नहीं सकते। ठीक है, इस राफ्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे काफी सारा सामान तो पड़ा हुआ है, वो अपने इन्वेंट्री में ले लेता हूँ। ओह मैन, थोड़ा आयरन यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड नीचे कुछ चीजें पड़ी हुई है वो उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा और वुड ले लेता हूँ अपने पास। चलो लेट्स गो बॉयज, अभी चलते फटाफट से हमारे घर पे और सो जाते हैं। वैसे घर जो ना अभी दूर से ही चमक रहा है गाइस हमारा, देख रहे हो, ये देखो नाइट क्लब लिखा हुआ है, बाकी टॉर्चेस
ये छोटे से एरिया में लाइट करेगी, ऐसा है क्या? ओ मुझे बड़ी वाली टॉर्चेस लगानी पड़ेगी फिर यहाँ पे गाइस, ये टॉर्चेस उतना काम नहीं आ रही हमारे, मुझे बड़ी टॉर्चेस लगानी पड़ेगी। बड़ी टॉर्चेस कहाँ पे? यहाँ पे फायरबॉल ये लगा सकता हूँ मैं, हैंगिंग लैटन भी है, बोन फायर भी है, मैं शायद से ये फायर बॉल जो है गाइस वो लगाऊँ, यहाँ पे अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा है। चलो फिलहाल के लिए तो मैं सो जाता हूँ, इट्स नॉट टाइम, हेलो बेड टाइम तो हो गया है, रात तो हो गई है भाई, सोने दो यार मुझे, गाइस ये मुझे सोने ही नहीं दे रहे। अरे यार चलो कोई ना, जब तक वो बेड टाइम आ जाता है तब तक मैं अपने पास जो सामान है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। रुको केचवे मैंने कहीं पे तो रखे हुए हैं, साथ में रुकूंगा सारा सामान, ठीक है। वुड मेरे पास काफ़ी आ चुका है, और मुझे क्लोथ्स की और रोब्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सवेरे सवेरे ही हम लोग जो है ना कैसे हमारा काम चालू कर देंगे यहाँ पे फार्मिंग का, ठीक है। सुबह हो गई है मामू और मुझे भूख भी लग चुकी है, यहाँ पे मैंने क्रैब छोड़ा हुआ था, टेक फूड रोस्टेड क्रैब, इन्वेंट्री इज फुल, ऑल राइट। ये क्या चीज़ है? चारकोल, ओके साथ में चारकोल फ्री मिल चुका है, पानी पी लेता हूँ मैं फटाफट से। एंड यहाँ पे मीट है क्या? हाँ ये मीट है ना, इसको खा लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चिकन लेग पीस डाला था, ये रहा चिकन लेग पीस को जो है ना गाइस यहाँ पे कुक करने के लिए डाल देता हूँ, और वुड की कमी नहीं है भाई, ये लो अभी भर भर के वुड डालूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अपना फूड एंड वाटर बार फुल हो चुका है, अभी गाइस फार्मिंग का काम चालू कर सकते हैं हम लोग। सो मुझे यहाँ पे ये बना लेने, बराबर ये मैं यहाँ पे लेके जाके लगा दूंगा। अरे ये तो छोटू सा ही है, लगता काफी बड़ा होगा। एक यहाँ और रुक जाओ गाइस, आराम से दूर जा रहा है, एक यहाँ एक लगा देंगे यहाँ पे, लाइन से लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। क्लोथ्स कम पड़ रहे हैं, इसमें क्या लगा, कौन से प्लांट लगा सकते हैं उसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नाइस नाइस नाइस। वेजिटेबल बोला है तो पोटैटो वगैरह लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब फार्म तो आज हमारा होके रहेगा यहाँ पे कंप्लीट, मुझे बस क्लोथ्स चाहिए, क्लोथ्स क्लोथ्स क्लोथ्स। ए एक मिनट, सारे क्लोथ्स खत्म है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, मेरे पास क्लोथ्स ही नहीं है। ओह मैन रियली, मेरे पास गाइस बिल्कुल भी क्लोथ्स बचे नहीं है। काम करता हूँ मैं, स्टोरेज बॉक्सेस थोड़े और बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मुझे बड़े वाले जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं वो अनलॉक करने पड़ेंगे कहीं से, ठीक है। यहाँ पर सामान रख दूँ, रुको गाइस मैं अपनी राफ्ट को पूरा खाली कर देता हूँ। क्लोथ्स की गाइस कमी पड़ गई यार, क्लोथ्स कहाँ से लेके आए? मुझे जाना पड़ेगा गाइस अंडर वाटर थोड़े से एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि वहीं से मुझे क्लोथ्स मिलने वाले हैं। दो क्लोथ्स है यहाँ पे, उससे कुछ नहीं होने वाला यार। नींबू काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, मैं नींबू की भी खेती जो है ना गाइस वो ऊपर करूँगा, बस मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर वगैरह तो नहीं डालना पड़ता। अगर फर्टिलाइजर डालना पड़ता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बनाने के लिए अपने पास शायद रिसोर्सेस इनफ ना हो। को मैं सारा सामान ट्रांसफर कर देता हूँ, एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गाइस 49 एक लोकेशन अनलॉक हुई थी थोड़े टाइम पहले, हम लोग उसी को एक्सप्लोर करके आते हैं, वहाँ पे क्लोथ्स भी मिल सकते हैं हम लोग को। मैं अपनी पूरी की पूरी राफ्ट खाली कर दी है, अभी हम लोग चलते हैं डिस्ट्रिक्ट 49 पे, देखते हैं इसकी वहाँ पे क्या मिलता है। मैं तेज़ी से क्यों दौड़ नहीं पा रहा हूँ यार, मेरी स्पीड ऐसे लग रही है कि थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। यहाँ से उठा लूँ गाइस थोड़ा सा वुड, अरे जंप ही नहीं कर रहा था, ठीक है। एरोज ले लेता हूँ, वैसे पानी के अंदर मैं इसको चला तो नहीं पाऊँगा, बट फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। सो इसको अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए? मैं इसको भी अपग्रेड कर लूँगा आज, ठीक है। अपने रिसर्च टेबल को भी अपग्रेड करूँगा मैं, थोड़े से भाई जो क्लोथ्स वगैरह है ना वो लेके आ जाता हूँ अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करके। मैं डिस्ट्रिक्ट 49 पे जा रहा हूँ, ओके स्कोर ड्राइव। यहाँ पे नज़दीक कोई लोकेशन है? हाँ है, तो वही है डिस्ट्रिक्ट 49 ही लोकेशन है, और कोई लोकेशन नहीं है यहाँ पे कोई है। ओ ये रही डिस्ट्रिक्ट 49 लोकेशन, काफ़ी ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा क्या इसके लिए? कहाँ पे है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसे यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 49 है बोले, क्या है यहाँ पे? ये तो मैंशन है, मैंशन के साइड में
वो यहाँ पे सामने, ये तो मुझे काफी ज्यादा डीप जाना पड़ेगा यार फिर तो। डिस्ट्रिक्ट 49 कहाँ पे भाई? अरे भाई मैं गलत आ गया, मुझे क्या लग रहा था पता है गाइज, ये जो एच और वाई दिखाई दे रहा है ना वो डिस्ट्रिक्ट 49 है, बट ये मेरा माउस था भाई, ये मेरा माउस था। डिस्ट्रिक्ट 49 ये रही गाइज यहाँ पे। एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट 49 में भी एक कोई तो मुझे सिटी लग रही है। ठीक है चलो, ये सामने की तरफ जो पोल दिखाई दे रहा है वो है अपने डिस्ट्रिक्ट 49। जरा चल के देखते हैं कि क्या है ये। अभी सही जा रहे हैं यहाँ पे, ये तो मैंशन के पास आ गए वैसे हम लोग। यस डिस्ट्रिक्ट 43 है गाइस, 43 ऑलराइट, ये रही डिस्ट्रिक्ट 43। ठीक है ये हम लोग पहुँच गए, नीचे चलते हैं। शार्क्स नहीं, शार्क्स नहीं है, अच्छी बात है। स्क्रैप नहीं चाहिए मुझे, ओनली चाहिए क्लोथ्स, क्लोथ्स चाहिए। बट अगर आ ही गया तो स्क्रैप भी लेके चलता हूँ थोड़ा सा। इसमें से कुछ बैंडेजेस नहीं चाहिए यार, बैंडेजेस नहीं चाहिए। टेकोल, एनर्जी ड्रिंक, वुड वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। स्टैमिना का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। मैं ना अगली बार से वो पोशंस बना के लेके आऊँगा गाइज, जो स्टैमिना रिकवर वाले पोशन होते हैं ना वो, जब भी मैं एक्सप्लोरेशन के लिए निकलूंगा। भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे क्लोथ्स तो मिल सकते हैं मे बी, बट यहाँ पे मुझे स्क्रैप मेटल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्लोथ्स तो मुझे काफ़ी कम ही दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको तोड़ लेते, स्क्रैप मेटल काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपने घर को मेटल में अपग्रेड करूँगा अगर मुझे ऐसे ही काफ़ी सारा स्क्रैप मेटल मिलती जाए तो। ठीक है मेरे पास अगर 100+ स्क्रैप मेटल हो जाता है सो अपने घर को जो ना कि इसमें अपग्रेड कर दूंगा। नहीं यार क्लोथ, ओ मिल गया, एक मिला है, लेकिन यार एक मिला है, ओनली वन। ओ बेड भी है वहाँ पे, उसको तोड़ने से शायद से क्लोथ्स मिल सकते हैं मुझे। रुको मेरे इन्वेंटरी में वैसे काफ़ी ज़्यादा जगह है। ओके चलो सांस लेने के लिए ऊपर आ चुका हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे रेड एल्गी भी दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं ये वाला पूरा एरिया भाई क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे रबर वगैरह मिल रहा है। चलो मैं फटाफट से ना यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो लूट लेता हूँ। ठीक है अगर कोई स्पेशल चीज़ दिखी तो आपसे मिलते हैं हम लोग, या फिर एक काम करता हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना आराम से कि हम लोग क्या क्या चीज़ें गाइस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। ग्लास मिल रहा है यहाँ पे, रबर, ग्लास, स्क्रैप मेटल। ये बड़े ट्रक को तोड़ने से हम लोग को काफ़ी सारा ग्लास वगैरह मिलता है। क्या मैं इन फिश को मार सकता हूँ गाइस? रुको ट्राई करता हूँ, क्या ना बट ओए मैं मार सकता हूँ गाइस इन फिश को। ओके ओके गाइस फिशिंग। ओ मार दिया, व्हाट गाइस, मैंने एक फिश को मार दिया। ओ भाई वन सेकंड। रुक। ओ यस एक और फिश मर गई यार, इनको मारना तो भाई बायत का खेल है भाई, चाकू लेके इनके पीछे पीछे जाओ। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, मर्लिन काफी ज्यादा तेज होती है गाइस, काफी ज्यादा तेज होती है। इसको पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, बट मैं भी थोड़ा दिमाग लगा के पकड़ूंगा। लेट्स गो गाइस, मुझे फिश मीट और मर्लिन स्किन जो है गाइस वो काफी ज्यादा मिल चुकी है। नाइस, मजे ही मजे बॉयज। चलो गाइस आज तो फिशिंग भी कर लिया हम लोग ने। नाइस ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया है यार। ठीक है रुको, मेरे को जितनी भी चीजें मिली हैं सारी चीजें मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ बोस को छोड़ के, और हम लोग वापस से जा रहे हैं नीचे। ओके उम्मीद में कि हम लोग को क्लोथ्स मिल जाए काफी ज्यादा, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम ही लग रहा है। स्क्रैप मेटल तो काफी ज्यादा है, अगर मुझे वॉशिंग मशीन मिल गई ना तो उसमें से क्लोथ्स मिल सकते हैं। मुझे वॉशिंग मशीन ढूंढनी पड़ेगी, उसमें से क्लोथ्स मिल जाएंगे, वरना खास कुछ उम्मीद नहीं है। ओ खाना वगैरह है यहाँ पे, और मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। क्लोथ्स एक एक मिल रहा है भाई, एक एक क्लोथ्स मिल रहा है लिटरली। क्लोथ्स जो है ना जो काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज है भाई यार। गया मैं, मेरी हेल्थ डाउन हो रही है। अरे जल्दी चल ले, मैं काम करूंगा, मैं अगले एपिसोड में क्या करूंगा पता है? मेरे पास जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं गाइस, जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो सारी लेके मैं ट्रेडर के पास जाऊंगा, और उसके पास से वो अंडर वाटर मशीन नहीं थी गाइस जो काफ़ी ज़्यादा महंगी है मुझे पता है, बट वो मशीन मैं ट्रेड करके लेके आने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ गाइस कि वो मुझे यहाँ पे वो मशीन देती कि नहीं। ओ क्लोथ्स मिल रहे, नाइस, काफ़ी ज़्यादा क्लोथ्स मिल गए।
ठीक है, स्क्रैप मेटल भी है, इसको लेके सीधा ऊपर चलते हैं। चलो भाई यहाँ पे जितनी भी चीजें मिलती है ना वो डायरेक्टली स्पीड रन में ही देख लेना आप, ठीक है। ओ मैं फंस गया, ओ नहीं 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 नहीं, लग गए। फर्स्ट डेथ हो सकती है क्या हमारी? है शायद से हमारी फर्स्ट डेथ है ये, शायद से मेरी फर्स्ट डेथ है। ओह मैन, मेरी फर्स्ट डेथ है क्या? नहीं, बच जाऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। ओह भाई बच गया, बाल बाल यार, ओ बाल बाल बच गया। वहां से एग्जिट करने का कोई रास्ता ही नहीं था, मरते मरते बचा। ओ ए स्कर्ट पहनू, ओ भाई स्कर्ट पहना भाई मैंने, ये निकाल लेता भाई। ना भाई स्कर्ट पहनने का कोई शौक नहीं है मुझे, ठीक है। ये जो फूड कैन वगैरह है ना वो सारी चीजें मैं जाके ना उस ट्रेडर को दूंगा, और मैं देखता हूँ ट्रेडर इसके बदले में मुझे वो अंडर वाटर डाइव करने वाली मशीन है ना गाइस वो देती है कि नहीं। चलो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड फाइनली ऑन कर लेता हूँ, और आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में यहाँ पे हम लोग जो लूट कर रहे हैं वो देख लेना। लेट्स गो बॉयज। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. मेरी गाइस इन्वेंट्री फाइनली यहाँ पे फुल हो चुकी है इतने टाइम के बाद, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सीड ये डाल दे भाई। स्ट्रॉबेरी सीड मेरे पास पड़ी हुई है, वैसे इसकी ज़रूरत तो मुझे पड़ने नहीं वाली है। मेरी इन्वेंट्री में एक और स्लॉट है, मतलब एक और स्लॉट की जगह ही रुको, एक काम करता हूँ थोड़ा और स्क्रैप ले लेता हूँ मैं। मेरी बोर्ड जो है गाइस वो भी यहाँ पे फुल हो चुकी है। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें क्या क्या लूट मिली हुई है। वैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि क्या क्या चीजें मिली, बट फिर भी मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। स्क्रैप थोड़ा सा और उठा सकता हूँ मैं। मुझे क्लोथ जो है ना गाइस वो भी ठीक ठाक ही मिले हुए यहाँ पे। मेरे हिसाब से हमारा फार्म जो है ना गाइस उसका काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा, स्क्रैप और ज्यादा उठा नहीं पाऊंगा मैं। चलो चलता हूँ मैं सीधा भी अपने घर पे। मैं पहले आपको दिखाता हूँ बोट पे और मेरे इन्वेंट्री में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, मुझे क्या क्या सामान यहाँ पे मिला है। वैसे मुझे भूख भी लगी है, घर पे जाके जो कुक करने के लिए डाली थी ना कई चीज वो खा लूंगा मैं। ये देखो मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें मिली है। साथ में मुझे ना लैम्प मिला है गाइस, एक टेबल लैम्प और एक वॉल लैम्प मिला है भाई, जिससे भी रोशनी हो जाएगी हमारे घर के अंदर। बाकी स्क्रैप वगैरह गैसोलीन और क्लोज जो है ना गाइस वही चीजें मिली है, और खास कुछ चीजें नहीं मिली। कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिली है जो कि डेकोरेशन की तरह हम लोग हमारे घर पे लगाने वाले हैं। चलो अभी फटाफट से हमारे घर पे पहुंचते हैं और डेकोरेशन का काम कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहले फार्मिंग का हमारा काम है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो बॉयज। चलो गाइस घर पे तो आ चुके हम लोग, रास्ते में थोड़ा सा वुड वगैरह पड़ा हुआ है वही उठा लेता हूँ। चलो लेट्स गो। सबसे पहले पेंटिंग लेके आया ना, वो पेंटिंग लगा लेता हूँ। रुको गाइस मेरे घर पे ये वाली पेंटिंग है, 150 करोड़ की पेंटिंग है गाइस। इसको मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे लगाता हूँ इसके ऊपर। ओ भाई खूबसूरत तो है, ठीक है। लैम्प कहाँ लगा सकता हूँ मैं, इस लैम्प को कहाँ पे लगाएं। टेबल लैम्प है एक्चुअली में, घर के बीचों बीच लगाए क्या ना, बेड के साइड में लगा देता हूँ। रुको ऑलराइट, टर्न ऑफ टर्न ऑन, नो पावर, आउट ऑफ पावर। ऑलराइट, सो मुझे इसमें जनरेटर वगैरह भी बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो कोई ना, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके एंड अभी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे बस यहाँ पे चाहिए था ये और वुड। चलो मैं अपने वुड बोले तो क्या क्या चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ मुझे चेक करने दो, मुझे क्या क्या चाहिए था। हाँ
वुड और गज बस जो है ना क्लोथ चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं चाहिए था, वुड एंड क्लोथ्स। फटाफट से अभी मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख ही सकते हो, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मिली है मुझे। मैं ट्रेडर के पास भी जाऊँगा गाइस एक बार, मुझे सारी की सारी चीज़ें पहले तो घर में डालने दो। मैं ट्रेडर के पास, मेरे पास जो भी फालतू का सामान है मतलब कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं ना, वो सारे कपड़े वगैरह लेके जाऊँगा और उसके साथ ट्रेड करके देखता हूँ कि मुझे वो अंडर वाटर तैरने वाली जो मशीन है ना गाइस वो देती कि नहीं। क्लोथ्स एंड वुड ले लो बस खाली, ओके। अरे नहीं, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे डाल के रख देता हूँ। ये चाकू को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। चलो अभी सारा सामान जो है वो बोट में से घर में शिफ्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट से। और मुझे थोड़ी भूख भी लगी हुई है, रुको गाइस, जो कुक करने के लिए मीट डाला था ना वो खा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मछली भी तो लेके आया हूँ, मछली भी कुक करने के लिए डाल देता हूँ वहाँ पे। मैं एक ही बार में 3-4 ऐसी चीज़ें कुक करने के लिए डाल सकता हूँ क्या? देखना पड़ेगा गाइस मुझे, रुको। क्या मैं 3-4 चीज़ें, पहले तो इसको टेक फूड, बराबर बराबर, इसको भाई पहले खा लो भाई, बराबर। उसके बाद ना नहीं कर सकता, नो वुडन प्लैंक्स नहीं कर सकता गाइस। ठीक है पानी पी लेता हूँ, चलो पानी पी लेता हूँ, पानी फुल कर दिया मैंने पी के। ये यहाँ पे डाल दो स्क्रैप्स, वुड दे दो मुझे एंड क्लोथ चाहिए। 20+ क्लोथ्स मेरे पास आ चुके हैं। मीट वगैरह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रबर ग्लास मिला हुआ है वो यहाँ पे डालते हैं। चलो ऊपर जो है ना गाइस, अभी हमारा पहले फार्मिंग का काम जो है गाइस वो कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दो और लगा देने फार्म, मतलब ये प्लांटर जो भी इसको बोलते हैं वो दो और लगा देने, एक एंड दो, डन बराबर। अभी इसके अंदर प्लांट सीड लेके आना है मुझे। मुझे यहाँ पे ना कॉटन और पोटैटो, हर एक तरह की सीड लगाऊ क्या मैं? हर एक तरह की सीड, रुको मैं लेमन लेके जा रहा हूँ मैं साथ में, लेमन के साथ स्ट्रॉबेरी, कॉटन सीड मुझे एक ही मिली हुई है, कॉटन सीड लेके जाना है मुझे, कॉटन सीड एक और है, स्ट्रॉबेरी सीड, ये रही स्ट्रॉबेरी सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स भी मुझे मिल चुकी हैं, कॉटन सीड भी दो ही है मेरे पास, ये रही स्ट्रॉबेरी सीड्स। और ये क्या चीज़ है भाई? बुश सीड, बुश तो नहीं चाहिए यार, बुश तो डेकोरेशन के लिए लगाएंगे हम लोग। ठीक है सो यहाँ पे कॉटन, अच्छा मुझे सीड चाहिए, नींबू की सीड चाहिए। ठीक है मैं कॉटन सीड लगा सकता हूँ, एप टू प्लांट। और कुछ डालना है? और कुछ नहीं डालना है, एप टू प्लांट, स्ट्रॉबेरी लगा देता हूँ। चलो मुझे सीड चाहिए काली गाइस, ठीक है और कुछ नहीं। अभी क्या करें हम लोग, रुको ना यहाँ पे एक और लाइन लगा देता हूँ ना वैसे, बट उतना ज़्यादा मेरे पास वैसे पड़ा नहीं है, 5 और लग जाएंगे ना, 5 और लगेंगे। रुको गाइस, अपना फार्म बना रहे तो भाई अच्छे से थोड़ा बड़ा वाला फार्म बनाएंगे। रुको थोड़ा वुड कम पड़ रहा है, लकीली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वुड तो पड़ा हुआ है भाई, मेरे पास स्क्रैप मेटल देख रहे हो, मेटल जो है ना काफ़ी पड़ा हुआ है मेरे पास। चलो मैं अभी यहाँ पे ऊपर और थोड़े से ना ये प्लांट्स लगा देता हूँ, मैं बीच में इसे जाऊँगा और देखो इस तरह कैसे लगा दूंगा मैं। ठीक है बिल्ड में, ओके नीचे नहीं भाई ऊपर लगा देना है, एक यहाँ एंड यहाँ से जाने के लिए रास्ता रहेगा। ठीक है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा देते हैं। टडा गाइज हमारा फार्म जो है गाइज वो बन के तो रेडी हो चुका है यहाँ पे, छोटा सा फार्म बनाया भी फिलहाल के लिए, तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ वैसे चाहो तो। मेरे पास और छः भाई कितने में लगा सकता हूँ बताओ, 5 और लगा सकता हूँ, ये सामने 5 ही है ना, 5 और लगा लेता हूँ। चलो भाई बना रहे थोड़ा बड़ा ही बना लेंगे ना यार फार्म, बस कोई अटैक वगैरह करके मेरा फार्म ना तोड़ दे। ठीक है टडा फार्म जो है गाइज वो बन के और रेडी हो चुका है। क्या यहाँ पे डालने के लिए सीड, ओके स्ट्रॉबेरी सीड नहीं है, मैं वो बुश की सीड लगा दूँ क्या? बुश से लेकिन मुझे क्या मिलेगा? सीड तो लगाने के लिए लगा दूँ मैं, पर उससे क्या मिलेगा मुझे? मेरे पास बुश तो है, ओह कॉटन सीड पड़ी है यार 5 मेरे पास, मैं कॉटन लगा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं बुश सीड जो है गाइज वो भी लगा के देखता हूँ, मैं भी बुश में से हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाए। बुश पहले हाँ ये वाली बुश की सीड यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉटन सीड बराबर। चलो बुश कॉटन और स्ट्रॉबेरी जो है गाइज वो हम लोग ने यहाँ पे प्लांट कर लिया है। अभी क्या करना है मुझे, जाना है गाइज उस ट्रेडर के पास। भाई काफ़ी सारा काम करना पड़ता है यार हम लोग को, अरे यार लाइट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइट का भाई मेन सीन है यहाँ पे।
ये इधर डालने दो, जो फालतू चीज़ें जो मेरे किसी काम की नहीं है। वो एक और चीज़ रुको, मुझे इसको अपग्रेड करना था, बराबर। इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे स्क्रैप मेटल, वुड, रबर एंड ये चाहिए। ठीक है रुको, रबर नहीं है ना यहाँ पे, रबर है, रबर मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ पे वुड भी चाहिए और स्क्रैप मेटल भी चाहिए, बराबर। रबर भी चाहिए, रबर ले लिया मैंने, रबर काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। ये एक चाहिए, इसमें धागा ये नहीं है। ओ शिट, ओ नहीं 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 नहीं, आ गए लोग, आ गए। ओ शिट, मैं डराता था। वाह क्या हुआ है, ओए वेपन लेके आई आंटी, आंटी वेपन लेके आई है। ओए घर में घुस गया, तेरे पप्पा का घर है क्या। अरे घर में कैसे घुसा भाई। हेलो, पप्पा का घर है क्या भाई? लूट बाद में भाग बे। अरे तोड़ रहे भाई। हाँ, धीरे धीरे करके अपग्रेड होते जा रहे हैं मॉन्स्टर्स। आ गया, और वापस को यार, कहाँ से आ रहे हैं? यार ये रहा, ये आ गया। ये रात में आते भाई, एक काम कर, कोल्हापुरी निकाल। ओके नाइस, टेक ऑल। और बस खत्म ना भाई, धीरे धीरे करके अपग्रेड होते जा रहे यार। ठीक है, इन लोग ने डैमेज तो करा है भाई मेरा घर, मुझे घर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं जितना प्रोग्रेस करूंगा ये लोग उतने ज़्यादा खतरनाक बनते जाएंगे धीरे धीरे करके। बाबा रे बाबा, बाल बाल बचाओ। चलो मैं अपग्रेड कर लेता हूँ अभी अपने रिसर्च टेबल को। ठीक है, वुड थोड़ा सा और चाहिए, वुड की कमी नहीं है यार, वुड तो काफ़ी सारा है अपने पास। आ जाओ, रिसर्च टेबल को हम लोग अपग्रेड कर लेंगे। ओ माय गन्स, स्टो, इम्प्रूव्ड ग्रिल, एडवांस प्यूरिफायर। ओके, इनगट वगैरह, फर्नेस बनानी पड़ेगी पहले, ताकि मैं इनगट वगैरह जो है ना गाइज वो यहाँ पे बना सकूँ। इनगट की मदद से हम लोग जो है ना गाइज यहाँ पे एयर फिलिंग स्टेशन, ये क्या है, एयर टैंक ही नहीं है मेरे पास भाई। ओ स्मॉल एयर टैंक, लेट्स गो बॉयज, काफी सारी चीजें हैं। ब्लैक पाउडर एमओ, यही तो एमओ चाहिए मुझे अपने गन्स के लिए में भी। गाइज काम 25 होने वाला है गाइज हमारा। ठीक है रुको, नाउ अभी मुझे क्या कर लेना है, रुको मैं कुछ अनलॉक कर लूँ क्या? अब पहले तो सो जाता हूँ यार, रात हो चुकी है भाई, सो नहीं पाऊँगा मैं, सोने नहीं देंगे ये मुझे। स्क्रैप मेटल थोड़ा ले लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी चीज़ें अनलॉक कर लेता हूँ, लाइक फर्नेस। पहली चीज़ मैं फर्नेस अनलॉक करता हूँ, फर्नेस के अंदर हम लोग आयरन इनगट बनाएंगे। आयरन इनगट की मदद से मैं एडवांस प्यूरीफायर बनाऊंगा पहले, या तो एयर फिलिंग स्टेशन में पहले अनलॉक करूंगा, और एयर टैंक अनलॉक करूंगा। बैकपैक, फाइनली हम लोग को बैकपैक मिलने वाली है गाइज। ओके, सेफ भी है, इसके अंदर मैं आइटम स्टोर्स करके रख सकता हूँ, काफ़ी बढ़िया। लेवल 3 का अपग्रेड तो अभी भूल ही जाओ, काफ़ी ज़्यादा दूर है, इतनी जल्दी लेवल 3 का अपग्रेड नहीं दे सकते हम लोग। चलो मैं अभी सो जाता हूँ। ओके लेट्स गो, शायद से हर 2 दिन बाद ना एक रेड होती है यहाँ पे, हर 2 दिन बाद एक रेड होती है। पानी पी लेता हूँ, खाना मीट खा लेता हूँ भाई, ठीक है इसको खा लेता हूँ, मस्त बेके, काफ़ी बढ़िया। मशरूम मैंने कुक करने के लिए डाल दिया, मुझे अभी यहाँ पे पानी जो है ना गाइस वो फील करना पड़ेगा। चलो पानी वगैरह भी फील कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम जो है ना गाइस वो मैं सोच रहा हूँ मैं अगले एपिसोड में कर लूँ डायरेक्टली, आज जो है ना ट्रेडिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। मुझे जो है ना गाइस वो मशीन भी चाहिए, मेरे पास अभी एयर टैंक तो आ ही जाएगा, एयर टैंक में जैसे तैसे करके अनलॉक कर लूंगा, और एयर जो फिलिंग मशीन है वो भी हम लोग बना लेंगे। मुझे लग रहा है मुझे बेस को अपग्रेड करना पड़ सकता है क्या गाइस, मतलब थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होगी वो कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, हमारे छोटे से घर में जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। देखता हूँ, चलो मैं इसको अपग्रेड करने की भी कोशिश ज़रूर से करूँगा। ठीक है, बाकी आज का जो हमारा गाइस यहाँ पे प्लांट है, जो म्यूटेंट गाइस आइलैंड पे हम लोग ने रेड मारी, वो आपको कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। बाकी मिलते सीधा गए सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड धीरे धीरे करके जो हमारे ऊपर रेड हो रही है उनकी जो तादाद और उनके जो वेपन्स वगैरह वो अपग्रेड होते जा रहे हैं।
अभी तो वो डायरेक्टली लेके आ गई थी यहाँ पे हैचेट, उससे डैमेज तो उसने दिया है गाइस। मैं दिखाऊँ आपको कितना डैमेज दिया है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ डैमेज कितना दिया है। मैं भी जरा देख लूँ कि कितना डैमेज दे रहे ये लोग। ठीक है, मुझे रिपेयर वाला जो टूल है ना वो निकाल लेना है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रिपेयर टूल, ये रहा। ठीक है, रिपेयर टूल की मदद से ना कितना डैमेज भाई दिया, तो ये देख रहे हो 600 हेल्थ थी, 400 तक कर दी कुछ ही टाइम में इसने हेल्थ। भाई रिपेयर कर लेता हूँ, रुको, वॉल्स वगैरह नहीं, गेट पे हमला करा था तो गेट ही थोड़ा सा डैमेज हुआ था, मतलब आगे आगे जो ना गाइस ये कुछ गन्स वगैरह क्या पता रॉकेट विकेट लॉन्चर लेके आ जाए पूरा बेस उड़ा दे मेरा, तो मुझे अपने बेस को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। चलो अभी के लिए काम करते हैं, ये वाला एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we could be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then